कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्या पता जो चीज आपको आज बहुत अट्रैक्टिव लग रही है वो आपको कॉलेज के टाइम पे अट्रैक्टिव ना लगे। क्या फर्क पड़ जाएगा एक अच्छे कॉलेज से, ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे करियर में एक अच्छे कॉलेज या एक अच्छी यूनिवर्सिटी से क्या फर्क पड़ता है। अब आपका हाउ तो मैं इस चैनल से धीरे धीरे अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर कर ही दूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल है वाई। आप लोग स्कूल तो जाते ही होंगे, और बच्चों आप लोगों के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में कुछ बातें भी होती होंगी फ्यूचर से रिलेटेड। कोई कहता होगा कि यार ट्वेल्थ के बाद सीए कर लूंगा, कोई कहता है सीएस कर लूंगा, कोई कहता होगा सीएमए कर लूंगा, कोई कहता होगा कि नॉर्मल अंडर ग्रेजुएशन कर लूंगा और फिर देखी जाएगी कि लाइफ में क्या करना है। कोई ये भी कहता होगा आपके दोस्तों में कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे फैमिली में गवर्नमेंट जॉब की प्रथा चली आ रही है और मैं भी उसी तरफ आगे बढ़ूंगा। कोई कहता है कि यूपीएससी की तैयारी करूंगा, कोई कहता है कि मैं तो अपने पापा का बिजनेस संभाल लूंगा। लेकिन बच्चों इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, आपको पता है क्या वो है? एक अच्छी लाइफ बनाने की ख्वाहिश, सपने देखने की और उसके बाद उसको पूरे करने की कोशिश। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपनों को देखना और उनको पूरे करने की जो राह है उसमें एक चीज और आती है, और वो आती है डायरेक्शन। यानी कि जब आपको एक सही दिशा मिल जाती है, जब आपको सही डायरेक्शन मिल जाती है, तो आप सक्सेस को अचीव कर पाते हो, इसके चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं। और सच बताऊं बच्चों तो क्लास 12th के बाद ही तो आपकी रियल लाइफ स्टार्ट होती है। आप क्लास 12th के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हो, बर्डन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, करियर स्ट्रेस, सारी चीजें आपको घेर लेती हैं। और सच में जब एक बच्चा इन सब चीजों को ओवरकम करके अपनी पढ़ाई को सही तरीके से करता है, अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जाता है, तो सक्सेस अचीव करना और इजी हो जाता है। और आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन देने आ चुका हूं मैं, और यहाँ पे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मेहनत तो करनी है बट उसकी सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्योंकि मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे बट सफर क्या तय करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों वैसे तो क्लास 12th के बाद आपके पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे करियर गोल्स आप सेट करोगे, बट इसमें एक ऐसा एग्जाम है जो आपको ले जाएगा आपकी सपनों की दुनिया में। नहीं समझे? अरे यार आपके ड्रीम कॉलेज में। तो देखो यार, अगर मैं पहले की बात करता हूँ, 2022 के पहले की बात करता हूँ, तो बच्चे क्लास 12th के बाद क्या करते थे, वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म भरते थे, बहुत टाइम और बहुत सारा पैसा खर्च होता था अलग अलग यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग के लिए, ऑफलाइन जाके काउंसलिंग कराते थे, अलग अलग एग्जाम्स में बैठते थे, हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग एग्जाम्स भी कंडक्ट होते थे। लेकिन 2022 में गवर्नमेंट ने शुरू किया एक ऐसा एग्जाम जिसके द्वारा अब हर बच्चा एक फॉर्म भरेगा और अलग अलग यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग में अपियर हो जाएगा, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के चांसेस और बढ़ जाएंगे उसके स्कोर के हिसाब से। नहीं समझे? तो बच्चों ये एग्जाम है CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और नाम से ही पता लग रहा है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि प्रवेश परीक्षा है जो आपको एलिजिबल बनाती है कि आप इस प्रवेश परीक्षा में बैठे, अच्छा स्कोर ले और फिर अपने सपनों की दुनिया यानी कि अपने ड्रीम कॉलेज में जाके एडमिशन ले। अब आपका हाउ तो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे अपने वीडियोस के माध्यम से क्लियर कर ही दूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल है वाई। क्या फर्क पड़ जाएगा एक अच्छे कॉलेज से, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या अब बेहतर हो जाएगा मेरी लाइफ में एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे करियर पे एक अच्छे कॉलेज या एक अच्छी यूनिवर्सिटी से क्या फर्क पड़ता है, तो चलिए इस बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो देखो भाई, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एक्सपर्ट फैकल्टीज, रिकॉग्निशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, प्लेसमेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन, करियर अपॉर्चुनिटीज, डाइवर्स कोर्सेज, अफोर्डेबिलिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गेस्ट लेक्चर्स, बना देती है इसको बच्चों के लिए उनकी खास और स्पेशल जगह। अब क्योंकि आप बेटा कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप क्लास 11 में कॉमर्स की फील्ड में आगे जाने का फैसला तय कर चुके हो और आपको आगे कॉमर्स के फील्ड में ही जाना है, तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट कोर्सेज होंगे क्लास 12 के बाद वो होंगे बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स या फिर बीबीए। और यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी हैं, डीयू है, बीएचयू है, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जेएनयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो डोर हैं वो आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं जब आप सीयूटी का एग्जाम देते हो। अब साथ ही साथ आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी या एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और जो भी आपके लाइफ या करियर एस्पिरेशन है, सीए, सीएस, सीएमए, गवर्नमेंट जॉब या एमबीए करना है या फिर बिजनेस करना है या यूपीएससी करना है, वो आप उसकी तैयारी आप साथ ही साथ में कंटिन्यू कर सकते हो। और जब सीयूटी का पेपर देके एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छे कॉलेज में जाओगे तो जितने बेनिफिट्स मैंने अभी बताए थे ना, वो सारे आपके करियर में, आपके फ्यूचर में आपके काम आने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक बच्चों नहीं सोचा है कि आपको करियर में क्या करना है, अभी आप सिर्फ क्लास 12th खत्म होने का इंतजार कर रहे हो और अपने अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई को शुरू करने का वेट कर रहे हो, तो भी कोई टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है? जब आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो बाकी के बच्चों से डिस्कस करके, अपने इंटरेस्ट को देख के आप
उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई करते करते उसके पढ़ाई करने के दौरान जब आप अंडर ग्रेजुएशन पढ़ रहे होगे तब भी आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। आप अपने इंटरेस्ट को ढूंढ लेते हो और फिर अपना करियर डिसाइड कर पाते हो। और बच्चों एक चीज और, जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी या एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो अपने एक्सपीरियंसेस से भी आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपका इंटरेस्ट किन चीजों में। क्या पता जो चीज आपको आज बहुत अट्रैक्टिव लग रही है वो आपको कॉलेज के टाइम पे अट्रैक्टिव ना लगे, आपको कुछ और करने का मन हो, तो आप एक्सप्लोर भी काफी ज्यादा अपनी लाइफ में कर सकते हो। और बच्चों करियर किसी भी फील्ड में बनाओ, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक बढ़िया कॉलेज, एक रेप्यूटेड कॉलेज या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम यही है कि वो आपको और अपॉर्चुनिटीज दे और मौके दे अपने आप को एक्सप्लोर करने का। और हम सबको यही तो चाहिए ना यार, क्या मौके। तो देखो भाई, जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, बेस्ट कॉलेजेस में जाते हो, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलता है। सिर्फ लाखों की प्लेसमेंट्स आपका वेट नहीं कर रही होती है, और भी आपकी जो हिडन टैलेंट्स हैं, जो पोटेंशियल कैपेसिटी है, उसको निखारने का मौका आपको वहां पे दिया जाता है। आप पढ़ाई के साथ साथ अगर थिएटर करना चाहो कर सकते हो, आप सिंगिंग में, डांसिंग में, स्पोर्ट्स में, थिएटर में या फिर फाइन आर्ट्स में, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। कुल मिला के बच्चों जब आपको एक अच्छा स्टेज मिलता है ना तो आपके एस्पिरेशंस और बड़े हो जाते हैं। जब आपको एक अच्छा स्टेज मिलता है तो आप खुल के सामने आ पाते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ डेवलप हो पाता है। जो भी आपका एक्स्ट्रा टैलेंट है या जो भी आपकी जिन भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मन लग रहा है आप उसको खुल के प्रैक्टिस कर पाते हो। और साथ ही साथ एक फायदा और है, वो फायदा ये है कि अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको बहुत सारा कॉम्पिटिशन बीट करना होगा, आपको आपके ही जैसे पढ़ने लिखने वाले और फ्यूचर के बारे में सोचने वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं, आपके सहपाठी मिलते हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं। जब आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप स्कोरर्स के साथ पढ़ने का तो क्या पता उनकी संगत में आपकी भी रंगत बदल जाए। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो आप और ज्यादा बड़े सपने देख सको। ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में एस्पिरेशंस और बढ़ जाए अपने अगल बगल के बच्चों को देख के कि उनके एस्पिरेशंस कितने अच्छे हैं, तो क्या पता बच्चों आपके भी एस्पिरेशंस उनके साथ मिल जाएं। आपको देख के लग सकता है कि यार वो बंदा कितना ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता है, लाइफ में क्या करना है, कितना सीरियस रहता है, तो क्या पता आप भी वैसे ही हो जाओ और आपके भी एस्पिरेशंस आसमान छूने वाले हो जाएं। तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना ही है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, बट कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों आपको तैयारी करनी होगी, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको आज से पढ़ाई को स्टार्ट करना है। आपको बैठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा कि आप अपने आगे के इन महीनों में जब तक सीयूटी का एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक डट के पढ़ाई करने वाले हो। अब यार इतना सब कुछ अकेले कैसे कर पाओगे, हम भी तो है ना यार आपका साथ निभाने के लिए। तो बच्चों इस YouTube चैनल पे आपको पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज, आपको बहुत सारे ऐसे सेशंस करवाते हैं जहां पे MCQs हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, ठीक है, बहुत सारी आपके लिए सीरीज लेके आते हैं। और साथ ही साथ आपको एक बैच भी प्रोवाइड किया जाता है जिसका नाम है महापैक। अब बच्चों महापैक में मिलता है आपको हर बैच का एक्सेस, आपको किताबें मिलती हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं और आपको कम्युनिटी ग्रुप्स मिलते हैं जहां पे आप फैकल्टी अपने डाउट्स पूछ सकते हो और कहीं ना कहीं एक बेटर प्लेस मिलती है पढ़ाई करने के लिए। बस अब आपको ये डिसीजन लेने की देर है कि आप तैयारी शुरू करने वाले हो। और बच्चों जब भी आप महापैक में एनरोल करने जाओ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे भी नजर आ रहा है, आपको एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना है Y769, जिससे आपको बहुत ढेर सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, एप्लीकेशन से ही इनरोलमेंट करना, तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो। और बाकी मेरी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा CUET अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बस हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए CUET अड्डा 24/7 चैनल से।